बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मोहम्मद अलैहि वसहाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में यम्मी सी नान फताई बनाना सिखाऊंगी। ग्राइंड में बनाएंगे, अगर आपके पास ओवन हो तो ओवन में आप बनाए, मेरे पास ग्राइंड है, मैं ग्राइंड में आपको बनाना सिखाऊंगी। फिर मैं एक मग मैदे का लिया है फुल भर के, एक मग में घी लिया है, लेकिन देखेंगे कि इसमें कितना अगर और ऐड होता होगा तो हम और ऐड करेंगे। 1 कप आइसिंग शुगर लिया है, ये चीनी को पीस लें तब भी आइसिंग शुगर बन जाती है। 2 टेबलस्पून बेसन लूँगी, 2 टेबलस्पून सूजी लूँगी, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा लूँगी और ये वाला जो टीस्पून है बेकिंग पाउडर लूँगी। ये की जर्दी ली है जो हम फताई के ऊपर लगाएंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। बादाम है वो मैंने ऐसे रखे हैं और कुछ मैंने देसी घी में उसको गोल्डन ब्राउन करके क्रिस्पी कर लिया। अब सबसे पहले मैं परात लूँगी तो क्योंकि इसको जितना ज़्यादा हम मसलेंगे तो ये डो हमारी उतनी अच्छी तैयार होगी और उतने सॉफ्ट हमारे बिस्किट बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये मैदा वगैरह सूजी बेसन सब मैंने अच्छे से छान लिया है। आप भी जब काइंडली यूज़ करें तो इन चीज़ों को छान के यूज़ किया करें क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से सर सुसरी वगैरह लग जाती है। ये वाला जो स्पून है जिससे हम चावल खाते हैं ये भर के 2 टेबलस्पून बेसन लूँगी, सूजी को भी अच्छे से छान के 2 टेबलस्पून भर के सूजी के लेंगे। इसमें जो पीसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर है ये ऐड करूँगी। 1/2 स्पून से भी छोटा स्पून है जो मैं वो भी 1/2 मीठा सोडा लूँगी क्योंकि बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून इस तरह भर के लूँगी। सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करती हैं, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चीनी जब मैंने पीसी थी तो मैंने उसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी थी, अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डालिएगा। कम से घी नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसमें घी डाला है। इसमें घी इतना हम डालेंगे जब ये अच्छे से इसको मैं ऐसे करूँ तो ये वो बनने लग जाए, हमारे लड्डू के वो बनना शुरू हो जाए। थोड़ा सा घी इसमें फिर ऐड करूँगी, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप घी का यूज़ हुआ है, इतना सा बच गया है क्योंकि देखिए इसकी मैं पिन्नी बना रही हूँ तो वो अच्छे से हमारी पिन्नी टूट नहीं रही, अच्छे से वो बन रही है। उतनी अच्छी हमारी सॉफ्ट जो नान फताई है वो रेडी होगी। मैंने 15 मिनट इसको अच्छे से मसला, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट ये डो मेरी रेडी हो गई है। बादाम जो मैंने फ्राई किए हुए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। ये देखिए मैंने छोटे छोटे इसके बॉल्स ऐसे रेडी कर लूँगी, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड आपने करना है, हल्का हल्का सा बस इसको प्रेस करना है ऊपर से, वो आपकी मर्ज़ी है आपने कितने बड़े बनाने हैं और कितने मोटे बनाने हैं उस हिसाब से आप। ये मेरे पास पिज़्ज़ा थी उसको मैंने ग्रीस कर लिया, अब इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाती जाऊँगी। चला से ये भी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, जैसे ये कुक हो जाएंगी। आपने सफ़ेदी बिल्कुल भी नहीं लगानी है, उससे कलर इसका अच्छा सा कलर नहीं आता। जर्दी लगाएंगे तो बड़ा अच्छा सा कलर, गोल्डन सा कलर आएगा। हीट अप हो गई भी है तो उसमें रख के आपको दिखाती हूँ। फ्राई में रख दिया इसका ढक्कन रख के, तकरीबन इसको 5 मिनट में रखूँगी तो 5 मिनट में बहुत अच्छी से कुक हो जाएंगी। 5 मिनट बाद आपको दिखाती हूँ। चला से A1 हमारी नान फताई रेडी हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं आपको थोड़ी सी तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फीडबैक दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी कुकिंग कर रही हूँ। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी जल्दी लेके आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेकी मान।